Hello friends, myself Sanjeev Kumar. I am motivational speaker and thinker. Sareer Vastuda hai, combination of 4 or 5 or 6 things ka hai. Basic jo bhi organs hai, sab ka mix up hai. Kya Sanjeev ye ungli agar abhi kaat ke alag rakh di jaye Sanjeev hai? Agar ungli yahan se cut kar di jaye aur alag se rakh di jaye, kya wo Sanjeev hai? नहीं। अगर इसमें से ये चली जाए, ये अभी चली जाए, कौन सी वाली सांस? सांस चली जाए तो क्या ये संजीव रहेगा या बॉडी रहेगी? हम क्या कहते हैं बॉडी को? ले जाओ, सांस जाने के बाद, सांस चल रही थी तो इंसान था, सांस चली गई तो बॉडी को ले जाओ। अरे भाई रामचंद्र को ले जाओ ना, ऐसा कोई भी नहीं बोलता, वो कहता है बॉडी को ले जाओ। पर चंद मिनटों में 50 साल 60 साल 100 साल तक तो सबको प्यार किया, और सभी कहते इस बॉडी को ले जाओ, जल्दी करो बॉडी को ले जाओ। ऐसा ही होता है, वो बॉडी बन जाती है, उसका नाम इसका मतलब मेटेरियलिस्टिक है, यही का नामकरण है बाहर से। चलो थोड़ा सा गहराई में जाते हैं शरीर के स्तर का। तो तीन स्तर थे, पहला स्तर शरीर है, हम उसी पर कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे चलते हैं शरीर के स्तर पर ही थोड़ा सा गहरे उतरते हैं। आज अपने मैन्युफैक्चरिंग को चेक कर, चलो वापिस पीछे चलते हैं। ये शरीर कैसे बना? शरीर में 5 तत्व हैं, 5 इंग्रेडिएंट्स। कोई सब्जी बनती है, किसी में गरम मसाला, घी, तीखा मीठा, सब चीजें, पानी, सब चीजें होती हैं। ऐसे ही इस शरीर में 5 चीजें हैं। पहला पृथ्वी, अर्थ। अर्थ क्या? कोई चीज खाई, फल खाया है, वो पार्ट ऑफ अर्थ है, वो उसी से पैदा हुआ है, हम ले रहे, दैट इज अर्थ। ओके, सेकंड क्या लिया? ब्रेथ, ईयर। थर्ड गैन, आकाश, स्पेस, ईथर, अलग अलग नाम से बोल सकते हो। गैप, अगर आपके मेरे बीच में गैप ना हो, आप और मेरे बीच में गैप ना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये केवल गैप है जिसके कारण हम अपने अलग अलग डिफाइन करते हैं। ये तो आउटर गैप, इनर भी ऐसे ही है। अभी हम शरीर स्तर पर, शरीर इन्हीं चीजों से बने हैं। हाँ, उसी पे आएंगे आगे। फोर्थ जल, कितना है हमारे अंदर जल? 72%। इस अर्थ पर कितना जल है? 70%। कितना कॉम्बिनेशन, पूरी अर्थ का जल मेरे अंदर है ना रिशु। मुझे उठा लो और अर्थ का सैंपल ले लो, एक ही बात है ना, रेशो एक ही है। क्या मिरेकल है, सीधा मिरेकल। फोर्थ अग्नि, अग्नि। खाना खाते हैं वो गर्म होता है, सनलाइट गर्म होती है, हम दे ही लेते हैं। हाँ, वी आर द मिक्सचर ऑफ 5 थिंग्स। देखो इसमें से 5 चीजों को निकालता हूं। अभी हवा गई, गैप गया, पानी इसको आग से जलाया, पानी गया, आग ने क्या किया इसका? मिट्टी कर दिया, आग भी गई, आग भी नीचे मिट्टी बची, आग वो किसका हिस्सा है? अर्थ का। मैं कहा अर्थ पे, तो जिसका था सुन गया, क्या हो रहा है? मैं 5 चीजों का बना, 5 चीजों में चला गया, ये क्या? इसका मतलब जो मैं संजीव तो भ्रम है ना, 5 चीजों का 5 चीजों में चला गया, फिर मैं कहां रहा? मैं ईगो,
इसका मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ तो है। इस शरीर को दो ही चीज का दो काम करता है ये शरीर, इसको एक भूख लगती है एक प्यास लगती है। शरीर दो बातों से जुड़ा है, शरीर के स्तर पर दो ही काम होते हैं भूख और प्यास। भूख अगर बंद कर दे तो कुछ और होगा जीवन में, और प्यास भी ना हो तो फिर कुछ और ही करेंगे हम जीवन में। पेट की भूख और प्यास के लिए ये शरीर सारे काम करता है, चेक कर लो। अगर कुछ दिन के लिए खाना बंद कर दिया जाए, कुछ दिन के लिए पानी बंद कर दिया जाए तो क्या होगा शरीर में? सर्वाइवल गड़बड़ाने लगेगा ना। तो शरीर दो स्तरों पर चलता है, इसका स्ट्रिक्स दो ही चीज चाहिए इसको, या दो चीजों पर ये आधारित है, भूख और प्यास। हमारे शरीर की गहराई में जाने की बात कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग चेक करनी है आज, पीस ऑफ दिस बॉडी। पीछे चलें, पहले आप इतने बड़े थे, अभी मैं जितना वजन है मैं इतना ही था या कम था? ओबियसली 30 साल पहले 40 साल पहले छोटा था, और छोटा और छोटा। मां के पेट में था तो कुछ पाउंड्स का, और बैक चलें उससे पहले बिल्कुल छोटा स्पर्म वेटलेस। और पीछे चलें, पिता से उत्पत्ति हुई, पिता क्या थे? पिता ने इस ब्रह्मांड से ही पांचों चीजों को कंज्यूम किया। और पीछे चले, पिता के छोटे थे तब वो कहां से आए, उनके पिता से वो उन्होंने क्या किया, इसी अर्थ से सब कुछ दिया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस बॉडी बाय डिफॉल्ट, आपको और मेरा इसमें कुछ रोल नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। पीछे से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कल कोई और रहा है। मैं जब ये शरीर पाने के बाद मैं बन गया हूं, मैं संजीव कुमार। मैन्युफैक्चरिंग, इसके मैन्युफैक्चरिंग में आपने या मैंने क्या किया, बोलो? क्या कोई अच्छी चीज बगैर, हम कोई चीज बनाते हैं अच्छी सी चीज, घर बनाया हम क्या कहते हैं, ये मेरा घर, तो उसको बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं ना। ये इतना अच्छा, ये जब चाहे बोल देता है, जब हंस देता है, देखता है, खुश होता है, नाचता है, रोता है, गाता है, इसको इसमें बनाने में आपका क्या रोल? आपको ये मिला हुआ है, सुबह उठ के चेक करते हो ये मिला हुआ है? नहीं, मैं चेक करता सुबह देखता हूँ, अरे है, थैंक यू ओ गॉड, थैंक यू ये मिला है, आज भी है, आज के लिए भी मिला है ना। इस शरीर के थ्रू उस ओमनीसेंट गॉड या सर्वशक्तिमान को एक्सपीरियंस कर सकते, इस शरीर के थ्रू। हमने इस शरीर को ही मेहमान लिया, इससे आगे हम कुछ भी नहीं जाएंगे। अगर ये शरीर ही मैं होता तो इसके तल तक ही होता सब कुछ। इस शरीर के स्तर पर आप और मैं हैं, आपका फिजिकल और मेरा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है, बट इंग्रेडिएंट्स सेम। Am I right? अंदर के तत्व आपके और मेरे एक जैसे हैं, जो आप में है वही मुझ में है। देखो आपके पास कान नाक गला सब चीजें, ये इस शरीर की डाउनलोडिंग 5 सेंसेस से होती है। कैमरा, मान लो कैमरा लगा है वो देख रहा है, तो ये वाला कैमरा फ्री में जो मिला है ऑटोमेटिक, क्या क्या इसमें डाउनलोडिंग के 5 सेंसेस कैसे डाउनलोडिंग कर रहे हैं, आंखों से देख रहा हूं, कानों से देख रहा हूं,
सुन रहा हूं मुंह से बोलकर या चीज को खाने पर टेस्ट करता हूं, टच करता हूं, फील करता हूं, टच करके सूंघता हूं, स्मेल आ रही है, फाइव सेंसेस है। इन फाइव सेंसेस से जो डाउनलोडिंग करता हूं वो ही मैं बन जाता हूं। और बचपन से आज तक इन्हीं पांच चीजों से जैसी जिंदगी जैसी हमने समझी है वैसी ही जिंदगी है। अगर मैं पूछूं आपसे कि जिंदगी कैसी है तो सबका अपना अपना अलग अलग व्यू रहेगा, क्योंकि जिसने जिंदगी को जैसे देखा है, जैसा एक्सपीरियंस किया है, उसको जिंदगी वैसी ही लगती है। आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आपके समक्ष लेके आऊं। और इस चैनल को लाइक करें।